नमस्कार, मैं एक यादव आज बात करूंगा आपके साथ नीट पीजी 2022 जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वाइल चॉइस फिलिंग ऑप्टिंग देर कॉलेज, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं एक यादव आज बात करूंगा आपसे जो स्टूडेंट्स या फिर डॉक्टर्स जो कॉमन मिस्टेक करते हैं अपने कॉलेज चूज़ करने में, या फिर वो जो मिस्टेक्स करते हैं अराउंड द काउंसलिंग चीज़ें, उसके बारे में क्या क्या आती हैं क्या नहीं आती, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो मैं बता दूं, जो स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लाते हैं, हाई स्कोर मार्क्स लाते हैं, चाहे जो स्टूडेंट्स लो स्कोर लाते हैं, सबका एक ही चॉइस होती है कि कॉलेज अच्छा हो, पेशेंट का फ्लो अच्छा हो, नंबर ऑफ़ बेड्स अच्छे हों, और जो कॉलेज की लोकेशन हो थोड़ा सिटी से पास में हो, ताकि उनके पास हाई फ्लो ऑफ पेशेंट्स वहाँ पर बना रहे। तो हर स्टूडेंट यही चाहता है, और साथ ही साथ वो ये चाहता है कि उसको रिकॉग्नाइज सीट मिले, ना कि परमिटेड। तो ये सब माइंडसेट लेके हर बच्चा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है नीट पीजी में। और कुछ स्टूडेंट्स का तो सपना पूरा होता है, जैसे कि जिनका स्कोर 560, 570 या 600 के अप्रॉक्स है, और कुछ लोग उस महज में रह जाते हैं कि मुझे परमिटेड सीट मिली है, रिकॉग्नाइज नहीं मिली है, कॉलेज में पेशेंट का फ्लो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, या फिर कॉलेज में बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं हैं आपकी। तो उसी के हिसाब से, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसी के हिसाब से लो स्कोर स्टूडेंट्स को उसी में सेटल करना पड़ता है। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, वो खुद ही सोचते हैं कि हम खुद ही काउंसलिंग करके, खुद ही चीज़ें करके सब कुछ ले लेंगे, और वो 50,000 लाख या 2 लाख रुपए के चक्कर में अपना साल बर्बाद कर लेते हैं एज सर्विस चार्ज कि किसी को ना देना पड़े। और वही वो डॉक्टर्स कहीं 10 लाख, कहीं 20 लाख, कहीं 50 लाख दे के फंसे रहते हैं। तो मैं उनको बता दूँ, सर अगर सर्विस चार्ज 1 लाख 2 लाख रुपये अगर किसी को दे कर अपना साल बचा लेते हैं, अपना फ्यूचर आगे सिक्योर कर लेते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये सर कि अगर आप काउंसलिंग के लिए देख रहे हैं चीज़ें हैं, तो ज़रूर एक अच्छे एक्सपर्ट को चूज़ करें जो आपको सारे कॉलेजेस के बारे में चीज़ें बता सके कि कितना पुराना है, कितनी सीट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, सब कुछ उसके बारे में आपको डिटेल्स दे पाए। और सबसे अच्छी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है पॉइंट यहाँ पर कि आपके बजट में वो कॉलेज आना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग इसी सब चीज़ों को गाइडलाइन बनाकर आपको कॉलेज प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर रहे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, सर्विस चार्ज में मैंने CPS में किसी का एडमिशन कराया था, मैं नाम नहीं लूँगा फिलहाल उनका, अब मैं नाम भी ले लूँ तो उनको शर्म आनी चाहिए, क्या बताऊँ मैं। वो अपने उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप ये कर दीजिए, मेरा वो कर दीजिए, मैं आपको चीज़ें कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, लेकिन इन लास्ट मैंने भी उनके पेपर फेथ किया। बहुत सारे काउंसलर तो अपना पैसा पहले ले लेते हैं, मैंने कहा ठीक है काम हो जाने दीजिए। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि ये प्लीज़ देख लीजिए, मैं बाद में दे दूँगा, ये आप पे ट्रस्ट कैसे करूँ। मैंने कहा ठीक है चलिए, काम मैंने उनका करा दिया, उन्होंने पैसा मुझे नहीं दिया। मेरा सिर्फ एक काउंसलिंग चार्ज ही तो था, आपकी सारी मेहनत की, रात के 12 बजे 1 बजे आप दिन में 100 बार कॉल करते तो मैं पिक करता, आपको सारी रिस्पांस दी, हर चीज़ बताई, लेकिन आपको वही चीज़ का मैं आपसे चार्ज ले रहा हूँ तो आपको देने में दिक्कत है। खैर छोड़िए, बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे, तो इसलिए हम लोगों ने सर्विसेज चार्ज को अपना चीज़ें ये कर दी हैं कि पहले आपको सर्विस चार्ज देना है, तब आप हमारी सर्विस अवेल कर सकते हैं। आगे चलिए, आगे बात करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स 2022 नीट पीजी में एग्ज़ाम एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं, चाहे वो लो स्कोर स्टूडेंट्स हों जिनका स्कोर 210 से या फिर 275 के बीच में है वो स्टूडेंट्स, या फिर जिनका स्कोर 275 से ऊपर है वो स्टूडेंट्स, सबके लिए प्रॉपर गाइडलाइन और सबके लिए एक गाइडलाइन दी जाएगी, उसी से आप अपनी कॉलेज को ऑप्ट करें, उसी के आधार पर आपको कॉलेज लिया जाए। मैं बता दूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स हमारे भाई लोग भी, इन लोगों ने भी अपनी कट ऑफ डाल रखी है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस को। तो बता दूँ कि हर साल जो काउंसलिंग में आपकी कट ऑफ है वो वेरी करती है अप्रॉक्स 15 से 20% पे, तो उसी के हिसाब से आपको अगर चॉइस फिलिंग करनी है तो बता दूँ आपको सीट नहीं मिलेगी। हाँ, अगर क्योंकि चीज़ें ये बन जाती हैं, कभी काउंसलिंग में नेगेटिव शिफ्ट हो जाता है, कभी पॉजिटिव शिफ्ट जाता है, और कभी कभी चीज़ें आपके हाथ से बाहर निकल जाती हैं। तो एक प्रॉपर एक इंसान को आप पकड़ें जो आपको काउंसलिंग प्रॉपर प्रोवाइड कर पाए, चीज़ें आपको अवेल कर पाए, और आपको बताए कि हाँ मैं सीट दिला पाऊँगा कि नहीं दिला पाऊँगा, और दिलाऊँगा भी तो किस बजट में और क्या चीज़ें रहेंगी। काउंसलिंग मिस्टेक्स ना करें प्लीज़। और काउंसलिंग मिस्टेक्स क्या होती हैं कि लोग बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं, एक जगह मिल गई दूसरी जगह भी स्लॉट लगा देते हैं, तो प्लीज़ ये सब ना करें, दूसरे लोगों को भी चांस दें सीट लेने का। यहाँ पर ये सारे कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं अपने वाइल सीट लेने के लिए,
और जो स्टूडेंट्स अभी काउंसलिंग के देख रहे हैं या फिर अपने रिवाइज कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या उनका रिवाइज कट ऑफ आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा भी तो क्या चांसेस रहेंगे उनके आने के, और साथ ही साथ उन स्टूडेंट का जिनका स्कोर कम है वो भी चाहते हैं कि सीट लेना या फिर लोअर क्लिनिकल ब्रांच या हाई क्लिनिकल ब्रांच, कितना बजट जाएगा, क्या चीज़ें जाएंगी, तो उसके रिगार्डिंग वो कॉल कर सकते हैं। मैं उनको बता दूंगा कि आपका बजट कहाँ तक जा सकता है किस ब्रांच के लिए, और उसके रिगार्डिंग वो मुझसे कंसल्ट कर अपनी सीट, अपना साल सब कुछ बचा सकते हैं। तो इन फ्यूचर आप अगर आप सीट्स के लिए एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं तो मुझे कॉल कर लें नीचे दिए हेल्पलाइन नंबर पर। मैं एक या दो पूरी कोशिश करूँगा आपको नीट पीजी 2022 में सीट दिलाने की। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक और कुछ नए बातों के साथ।